हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। वी आर डूइंग 11th चैप्टर ऑफ 12th हिस्ट्री, रेबल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। पहले के पार्ट्स को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस पार्ट में रिवोल्ट के कुछ इमेजेस के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिटेन में किस तरह से इस रिवोल्ट की इमेजेस दिखाई जा रही थी। जरा सा उनको रिकॉल कर लेते हैं। सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, जो भी सेवियर्स थे, जो रक्षक थे, उन्हें हीरो की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। जैसे कि ये एक पिक्चर है रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसमें क्या, जब लखनऊ को दोबारा से कॉन्कर कर लिया गया था तो यहाँ पर जो भी ऑफिसर्स थे इनको जो है एज अ हीरो यहाँ पर शो किया गया था कि किस तरह से इन्होंने लखनऊ को दोबारा से कॉन्कर किया। मीन्स जो भी इंग्लिश मैन होते थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स होते थे, जो इन रेबल्स को रिप्रेस करते थे और दोबारा से किसी प्लेस को कॉन्कर कर लेते थे, तो उन्हें जो है एज अ हीरो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में शो किया जाता था। ओके, इंग्लिश वीमेन एंड द ऑनर ऑफ द ब्रिटेन। इंग्लिश वीमेन के बारे में किस तरह से ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में शो किया जा रहा था, यहाँ पर एक पिक्चर है जिसका नेम है मोमेनियम। और इस पिक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक लेडी है, इसके चारों तरफ उसके बच्चे हैं, सभी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और ये रेबल्स से अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, अपने ऑनर की रक्षा कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर रेबल्स को नहीं दिखाया गया है, लेकिन अगर हम इस पिक्चर के बैकग्राउंड में देखें तो हमें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स दिखाई देते हैं। ये ब्रिटिश ऑफिसर्स एज अ सेवियर इनकी रक्षा करते हैं। ओके, एक और पिक्चर हमने देखी थी मिस व्हीलर के बारे में। मिस व्हीलर अपने ऑनर की रक्षा कर रही है कानपुर के सिपाही से। वो अकेली ही है लेकिन उसके चारों तरफ चार सिपाही हैं जिनके हाथ में स्वॉर्ड है और वो अकेली ही इनसे लड़ रही है, अपने ऑनर की रक्षा कर रही है। ओके, सो आज हम कुछ और पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेनिजियंस एंड रेट्रीब्यूशंस, जो प्रतिशोध और सबक था उसके डिमांड। जैसे जैसे एंगर और शोक ब्रिटेन में बढ़ता जा रहा था तो रेट्रीब्यूशन की जो डिमांड थी वो ग्रो होती जा रही थी। मीन्स ब्रिटेन के लोग चाह रहे थे कि भाई हाँ, इन रेबल्स से बदला लिया जाए, क्योंकि जो लेडीज की जो पिक्चर दिखाई जा रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि भाई हाँ, अब उनके ओनर को भी खतरा है, तो इसकी वजह से यहाँ ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही थी कि भाई हाँ, इन रेबल्स को रिप्रेस कर दिया जाए और इनसे बदला भी दिया जाए। जो रिवोल्ट की न्यूज़ थी और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस थे, उन्होंने एक ऐसे मिलू, ऐसे माहौल को क्रिएट कर दिया था कि जहां पर इन रेबेलियंस को दबाना और जस्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। ओके, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स इन रेबेलियंस को रिप्रेस करते थे, इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट करना वो बहुत ज़्यादा जरूरी समझते थे। मीन्स वो समझते थे कि जहाँ पर भी रेबल्स को रिप्रेस किया जा रहा है उसका डेमोन्स्ट्रेट जरूर होना चाहिए, उसको लोगों तक जरूर पहुँचाना चाहिए कि किस तरह से वो इन्हें रिप्रेस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक और पिक्चर दिखाई गई है जिसका नेम है जस्टिस। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, इसमें एक लेडी है जिसके एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में शील्ड है, शील्ड पर जस्टिस की पिक्चर बनी हुई है और उसके पैरों के नीचे जो है इंडियन सिपाहीज हैं, अपने पैरों से वो इंडियन सिपाहीज को चल रही है, जो यहां पर ये शो कर रही है कि किस तरह से जस्टिस किया जा रहा है। मींस जिस तरह से ये रेबल्स हमारे साथ, हमारे ओनर के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, सेम उसी तरीके से हम भी इनके साथ जस्टिस कर रहे हैं। अगर पीछे देखें तो यहाँ पर कुछ इंडियन वुमेन दिखाई दे रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। मीन्स इन द सेम वे जैसे इंग्लिश वुमेन को डरा हुआ शो किया गया था, इन द सेम वे इंडियन वुमेन को भी यहाँ पर डराया हुआ शो किया गया है, क्योंकि जब इस रेबल को रिप्रेस किया जा रहा था। ओके, जो ये रिवोल्ट की पिक्चर्स थी और इसके जो कार्टून्स थे, बहुत सारे कार्टून्स और पिक्चर्स जो है ब्रिटेन के प्रेस में प्रिंट किए जा रहे थे और किस तरह से इनको दबाया जा रहा था, कौन से ब्रूटल वे से इनको रिप्रेस किया जा रहा था, ये भी जो है पूरी तरह से दिखाया जा रहा था। ओके, एक और पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है जिसमें ये ब्रिटेन लायन है और ये जो है बंगाल टाइगर है। ब्रिटेन लायन जो है बंगाल टाइगर के ऊपर हावी है। मीन्स यहाँ पर दिखाया गया है कि हम जो है स्ट्रॉन्ग हैं इन बंगाल टाइगर के ऊपर। मीन्स कि भी हम ये जो रेबल्स है इसको रिप्रेस करते जा रहे हैं। ओके, द परफॉर्मेंस ऑफ टेरर, टेरर के परफॉर्मेंस, डर के परफॉर्मेंस किस तरह से की जाती थी। जैसे जैसे प्रतिशोध की डिमांड बढ़ती जा रही थी तो उसी वे से बहुत बुरे तरीके से इन रेबल्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, इन्हें मारा जा रहा था, उन्हें गन्स के आगे बांध दिया जाता था, ब्लो किया जाता था, फांसी पर लटकाया जाता था। और ये जो इमेजेस थी, इन इमेजेस को जो है बहुत वाइडली पॉपुलर जर्नल्स के थ्रू इन इमेजेस को वाइडली सर्कुलेट किया गया था। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर जो 3 अक्टूबर 1857 को लंदन न्यूज में प्रिंट हुई थी। इस न्यूज में क्या दिखाया गया है, यहां पर जो ये रेबल्स थे उनके एग्जीक्यूशन के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से उनको तोप से उड़ाया जा रहा है। ये
इंडियन सिपाही हैं जो अपने साथियों को मरता हुआ देख रहे हैं और अपनी मौत का वेट कर रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि रेबेलियन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले हैं, इसके क्या परिणाम निकले हैं। ओके, एक और पिक्चर है जिसमें रेबल्स को हंग कर दिया गया है और दूसरे रेबल्स जो हैं यहाँ पर खड़े हैं वो अपने साथियों की मौत को देख रहे हैं और अपनी मौत का भी वेट कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से जैसे ऊपर वाली पिक्चर में हमें दिखाया गया है। ये जो सारी पिक्चर्स थी इन्हें जो है थियेटिकली मीन्स एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, पेश किया जाता था ब्रिटेन की न्यूज़पेपर्स में ताकि लोग ये समझ सकें कि उन्होंने जो रेबल किया है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनके सामने निकले हैं। और एक और चीज ये जो मैसेज दे रही थी वो ये मैसेज दे रही थी कि भाई हाँ किस तरह से वो जो है रेबल को रिप्रेस कर रहे हैं। नो टाइम फॉर कैलीमेंसी, दया के लिए कोई टाइम नहीं था। कैलीमेंसी मीन्स क्या होता है, मर्सी, दया। इस टाइम पर जब वेनिजियंस की जो डिमांड बढ़ रही थी, प्रतिशोध की जो डिमांड बढ़ रही थी, अगर इस टाइम पीरियड पर कोई भी मॉडरेशन के लिए प्ली करता था, मीन्स दया के लिए या निर्मम भाव के लिए प्ली करता था, रिक्वेस्ट करता था, तो उसको बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि जब गवर्नर जनरल कैनन ने यह डिक्लेयर किया कि हम सिपॉयस को जो है मर्सी दिखाएंगे, उनके प्रति दया भाव दिखाएंगे और फिर से उनकी लॉयल्टी को जीत लेंगे, तो उनकी जो है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था ब्रिटेन की, ब्रिटिश प्रेस में इनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था। इसको लेकर उनके बहुत सारे कार्टून्स भी बने थे, जैसे कि ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो है कैनन की पिक्चर है जिनको बहुत ज्यादा ओल्ड दिखाया गया, बूढ़ा दिखाया गया है। उनका एक हाथ जो है इंडियन सिपाही के ऊपर है, इस इंडियन सिपाही के एक हाथ में स्वॉर्ड है, एक हाथ में नाइफ है, जो कि दोनों जो है खून से भरे हुए हैं, जिनके ऊपर दोनों के ऊपर ब्लड शेड लगा हुआ है। मीन्स इस पिक्चर के थ्रू पेंटर्स क्या दिखाना चाह रहे थे कि ये इंडियन सिपाही जो है हमें मार रहे हैं और फिर भी हम उनके ऊपर दया करें, ये सही नहीं है। सो इस पिक्चर को बहुत लंबे टाइम तक ब्रिटिश की प्रेस में जो है बार 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 इसको प्रिंट किया गया था और कैनन का यहाँ पर मजाक उड़ाया गया था। सो ये तो थी ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स में दिखाई जाने वाली पिक्चर्स कि ब्रिटेन में किस तरह से इस रिवोल्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। अब इंडिया में इस रिवोल्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, नेशनलिस्ट इमेजरीज, नेशनल में मीन्स इंडिया में इन इमेजेस को किस तरह से दिखाया गया था, जो ये हीरोज थे इस रिवोल्ट के, लीडर्स थे, उनको किस तरह से दिखाया गया था। ओके, जो ट्वेंटी सेंचुरी में जो भी हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें जो है 1857 के जो इवेंट थे उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। पूरे के पूरा जो ये इवेंट था इसको एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह दिखाया गया था और इस वॉर में जो सोसाइटी थी उसके हर एक सेक्शन से लोगों ने इंपीरियल रूल को ख़त्म करने के लिए उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आर्ट लिटरेचर के थ्रू और राइटिंग्स के थ्रू मीन्स कुछ जो है पोएम भी लिखी गई है इन लीडर्स के ऊपर, इन राइटिंग्स के थ्रू जो है इस 1857 की मेमोरी को अलाइव रखा गया है कि भाई हाँ आज भी हमारे माइंड्स में ये जो मेमोरीज हैं, इनकी यादें हैं, आज भी अलाइव हैं। जो इसके हीरो लीडर्स थे उनको एज अ हीरोइक फिगर के रूप में शो किया गया है। इस बैटल में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी लोग थे जिन्होंने इंपीरियल रूल के खिलाफ जो लड़े उनके ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, बहुत सारे उनके पिक्चर्स बनाए गए हैं। एक एग्जाम्पल है झांसी की रानी का, झांसी की रानी की जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें उनके एक हाथ में स्वॉर्ड होती है, एक दूसरे हाथ में उनके जो हॉर्स है उसकी जो डोर होती है वो होती है, अपने घोड़े को वो चला रही है, अपने घोड़े को राइड कर रही है, साथ साथ वो दुश्मनों के साथ भी लड़ रही है। जो झांसी की रानी की पिक्चर है वो एक मस्कुलाइन फिगर के रूप में दिखाई गई है जो कि अपने एनिमीज ब्रिटिश सोल्जर्स को चेज कर रही है, उस टाइम तक उनका पीछा कर रही है जब तक उनका एंड नहीं आ जाता है, मीन्स वो लड़ते लड़ते जो है मर जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पोएम पढ़कर बड़े हुए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, मीन्स बहुत सारे बच्चों ने पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी इंक्लूडिंग मी, मैंने भी ये पोएम पढ़ी है अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में जब हम बच्चे थे तो उस टाइम हमने भी ये पोएम पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और आज भी जब इस पोएम को सुनते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि भाई हाँ हमारी कंट्री में एक ऐसी लेडी थी जो एक मस्कुलाइन वे में अपने एनिमीज के साथ लड़ी और जिन्होंने फ्रीडम दिलवाने के लिए हमें जो है इन इंपीरियल रूल के खिलाफ बहुत अच्छे तरीके से लड़ी थी। उनकी जो पिक्चर दिखाई जाती है वो एक डिटर्मिनेशन का एक सिंबल दिखाई जाती है कि उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि ये जो इनजस्टिस और ये अलाइन रूल है इसको किसी न किसी तरीके से खत्म करना है। सो इस तरीके से इंडिया में इन लीडर्स की पिक्चर दिखाई जाती है। ये जो पिक्चर्स हैं ये
पिक्चर्स हमें बताती हैं कि ये जो पेंटर्स थे वो इन इवेंट्स को कैसे दिखाना चाह रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं और कौन से मैसेज को वो इनके थ्रू कन्वे करना चाहते हैं। हमें इन पिक्चर्स और कार्टून्स के प्रति उन लोगों के बारे में भी पता चलता है जो इस इवेंट को अप्रिसिएट और क्रिटिसाइज़ करते थे, मीन्स दोनों के बारे में ही। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इन पिक्चर्स की फोटोकॉपी करवाई और अपने घरों में हंग भी किया है। ओके, सो ये जो पिक्चर्स हैं ये सिर्फ हमें इमोशंस और फीलिंग्स को, उस टाइम के इमोशंस और फीलिंग्स को ही रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं बल्कि हमारी सेंसिबिलिटीज़ को भी शेप देती हैं कि भाई हम इन पिक्चर्स को देखकर कितना सेंसिबल होते हैं, हमारी सेंसेस क्या क्या होती हैं इन पिक्चर्स के थ्रू। ठीक है, एक तरफ अगर हम देखें कि ब्रिटेन में किस तरह से रेबल्स को ब्रूटल वे से रिप्रेस करने की डिमांड रखी गई थी और उनको किया भी जा रहा था और वही पिक्चर्स प्रिंट की जा रही थी, दूसरी तरफ अगर हम देखें सो इंडिया में किस तरह से इन पिक्चर्स को दिखाया जा रहा था, इंडिया में इन पिक्चर्स को एक नेशनल हीरो के रूप में दिखाया जा रहा था, जो भी इस रेबल में पार्ट लेने वाले लीडर्स थे या लोग थे उनको एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा था, जिससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशंस मिली हमारे आगे की सेंचुरीज के फ्रीडम फाइटर्स को। ओके, सो ये हमारा ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज क्लियर हो गई होगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, मुझे बताएं कि मुझे आपको मेरे सेशंस कैसे लग रहे हैं, वो हेल्पफुल आपके लिए हैं या नहीं है। इस चैप्टर में जितनी भी डेट्स आए हैं या जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स के नेम आए हैं या लीडर्स के नेम आए हैं, इन नेम्स को आपको बहुत अच्छे से, इन डेट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।